अपकमिंग IPOs के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बनाते हैं वीडियोस नए इन्वेस्टर्स से लेकर एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए। और अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, सो दैट यू कैन कैच मी एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। पिछले मंथ में हमने बहुत सारे IPOs देखे एंड हमें कमाने का अच्छा मौका भी मिला। सो आज के वीडियो में जान लेते हैं कि दिसंबर मंथ में कौन से IPOs आने की संभावना है जो आपको फिर से कमाने का मौका दे सकती है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी शैल शेयर विद यू डिटेल्स ऑफ कंपनीज दैट आर प्लानिंग टू बी लिस्टेड, मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज है जो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करने वाली है IPO के थ्रू इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। पिछले साल की परिस्थिति ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी स्ट्रेसफुल रही है, पर इंडियन मार्केट्स ने बहुत जल्द ही रिकवर किया है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सोच रहे हैं देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिगिन। तो चलिए बात करते हैं कुछ कंपनीज की जो अपना दलाल स्ट्रीट डेब्यू दिसंबर मंथ में कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट गो एयरलाइंस। ये इंडिया की एक लीडिंग बजट एयरलाइन कंपनी है जिसकी IPO साइज अराउंड 3600 करोड़ रुपीज की रहने वाली है। The said company is set to go public on 8th December 2021. अगली कंपनी है MKO Pharmaceuticals, जिसकी IPO साइज 4500 करोड़ रुपीज की होने वाली है, which would comprise fresh shares of up to rupees 1100 crores and an offer for sale by promoters and existing investors of up to 18 million shares. इस IPO से कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने करंट डेट्स को रीपे करना है। Next company coming up with its IPO is CMS Info Systems, जो एक वेल नोन कैश मैनेजमेंट कंपनी है जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैश पिकअप एंड डिलीवर करने का काम करती है। CMS Info Systems has filed its DRHP of rupees 2000 crores to launch its IPO. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अबाउट रुचि सोया, विच इज वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी जो IPO नहीं बल्कि FPO लॉन्च करने वाली है। रुचि सोया की FPO साइज 4300 करोड़ की होने वाली है। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनकी सर्विसेज फोकस करती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन लोगों पे। अगर इनकी IPO साइज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द DRHP इट्स साइज विल बी रुपीज 1800 करोड़, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब में अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। Next on our list is Northern Arc Capital with an approximate IPO size of around 1800 crore rupees. Ye ek NBFC hai providing its services with over 10 years of experience in its segment. If you talk about realty sector, we have Shriram Properties, jo ek Bengaluru based real estate company hai, jinki IPO size 800 crore rupees ki rehne wali hai. Aage badhte hue baat karte hain MobiQuick Systems ke bare mein, jo ki 1900 crore rupees ka IPO lekar jald hi aane wali hai. MobiQuick ek leading BNPL aur mobile wallet प्रोवाइडर है जो कि काफी फेमस भी है, और MobiQuick इस IPO से $1 billion के वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट करती है अपनी लिस्टिंग के बाद। नेक्स्ट अप इज पेना सीमेंट्स, विच इज वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इट इज कमिंग अप विद एन IPO इशू ऑफ अराउंड 1550 crore रुपीज। अगर एक और कंपनी की बात करें तो आती है श्री बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी, जिनकी IPO साइज तकरीबन 700 करोड़ की रहने वाली है। ये कंपनी इंडिया की जानी मानी इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी है, और इस IPO के थ्रू कंपनी अपना एक्जिस्टिंग डेट्स रीपे करने वाली है और फंड्स अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज करेगी। अगर SFB सेक्टर की बात करें तो है यंजना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 2008 में इस्टेब्लिश हुई है एंड कंट्री की लीडिंग SFB में से एक है। The IPO size of this SFB is going to be around 2000 crore rupees. Another SFB is Fincare Small Finance Bank with a likely IPO size of around 1330 crores. Fincare एक prominent small finance bank की category में आता है। एक और SFB की बात करें तो आती है उत्कर्ष Small Finance Bank, जिनका IPO size DRHP के अनुसार 1350 crore rupees का रहने वाला है। Lastly, a few other companies likely to come up with their IPO soon could be Raingate Travel Technologies with an IPO size of 1200 crore rupees, Studs Accessories with an IPO size of 98 crore rupees, Ixigo with an IPO of 1600 crore rupees, Sterlite Power Transmission with an IPO size of 1250 crore rupees, and ESAF SFB with an IPO size of 998 crore rupees, amongst others. So, ye thi un companies ki details
जो दिसंबर में अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती हैं द लाल स्ट्रीट पर ध्यान रहे कि आप प्रॉपर रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एडवाइस के बेसिस पर या हमारी IPO स्पेसिफिक वीडियोस को देखकर ही किसी IPO में अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए. वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद अस. बिफोर आई लीव, यू विल सी अ फ्यू टॉपिक ऑप्शंस एज अ पिन्ड कमेंट. Let us know which one would you like us to cover next in the comments below. And to get regular updates on our upcoming videos, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.